बात गाय बहुत सुंदर लग रही क्या? है। गाय बहुत गाय जानबूझ के तुमने स्प्रे मारा मुंह पे? नहीं। हेलो गाइस, दिस इज मी अलका झा एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आल्सो वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग मेकअप वीडियोस। सो इन दिस वीडियो मेरी सिस्टर मेरे ऊपर मेकअप करेगी, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी सिस्टर से आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। सो व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज साक्षी झा। एंड हाउ ओल्ड आर यू? 10 years old। सो आपको मेकअप करना कितना पसंद है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा? तो आज आप मेरे ऊपर कौन सा मेकअप लुक करने वाली हो? आज मैं आपके ऊपर डिफरेंट सा मेकअप लुक करने वाली हूँ। डिफरेंट सा मेकअप लुक करोगी? हाँ। देखते हैं भाई कौन सा डिफरेंट सा मेकअप लुक होने वाला है। भाई आज मैं फर्स्ट टाइम अपनी सिस्टर से मेकअप करवा रही हूँ, तो देखते हैं कैसा मेकअप करती है। कह तो रही है कि बहुत डिफरेंट सा मेकअप करेगी, बट लेट्स सी। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बाबू पहले आप आईज करोगे या बेस? बेस। तो बेस क्या होता है? आई डोंट नो। हाँ? I don't know. बेस नहीं पता आपको? No. तो आप मेकअप कैसे करोगे मेरा? कर दूंगी। कैसे करोगे? एक्सप्लेन करो। नहीं पता मुझे। नहीं पता? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको टीच करूंगी, थोड़ा बहुत मैं इसे सपोर्ट करूंगी जहां जैसे नहीं पता होगा क्योंकि ये अभी 10 साल की बच्ची है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या लगाओगे मेरे ऊपर? मॉइस्चराइजर। क्या लगाओगे? मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर फिर से बोलना। मॉइस्चराइजर। हाँ, इस बार इसने सही बोला है, मॉइस्चराइजर नहीं तो पिछली बार इसने क्या बोला था? मॉइस्चराइजर। तो इस वजह से मैं इसका ले रही थी। बच्ची है, थोड़ा बहुत मजाक कर रही हूँ इसके साथ। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इसने ये मॉइस्चराइजर पिक किया है सबसे पहले बेस के लिए। तो इसके छोटे छोटे उंगलियों से मेरा आज का ये मेकअप होने वाला है। सो कितने सॉफ्ट हैंड है इसके, छोटी सी बच्ची है तो इसके हैंड भी सॉफ्ट होंगे ना। देखो किस तरीके से ये मॉइस्चराइजर लगा रही है, देख रहे हो गाइस? ऐसे मॉइस्चराइजर लगता है बाबू? हाँ। दोनों हाथों से लगाओ ना, ऐसे तो बहुत लेट हो जाएगा आपको करने में। अच्छे से लगाओ, पूरे फेस में लगाओ, अप्लाई करो पूरा। गाइस आपको दिख रहा है ये मेरा फेस? हाँ, अच्छे से बैठ जाओ, लगाओ। लिप्स पे भी बहुत अच्छे से लगा दिया। बहुत प्यार से ये बहुत अच्छे से लगा रही है गाइस। लग गया? हाँ लग गया। लग गया बाबू? हाँ लग गया। तो मॉइस्चराइजर कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पे आप देखो। सो अब मॉइस्चराइजर की बात, आप क्या पिक करोगे? क्या पिक करोगे? क्या ये? कंटूर। ये क्या है? कंटूर। कंटूर? हाँ। इसके बाद कंटूर अप्लाई किया जाता है? कंसीलर है। कंसीलर क्या है? कंसीलर। कंसीलर है? कंसीलर। अब याद रहेगा ना आपको? हाँ। ठीक, लो कंसीलर अप्लाई करो। तो कंसीलर कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है पहले आप बताओ? आईज। अच्छा, आईज के पास अप्लाई कर रहे हो। अच्छा, इसके बाद नोज। उसके बाद लिप। उसके बाद लग गया? हाँ हो चुका है मेरा। आप कितना तबला बजाओगी मेरे ऊपर? बस हो गया। हो गया गाइस, देख रहे हो कंसीलर डन हो चुका है। अच्छा है ना? हाँ। ठीक है, तो अब कंसीलर के बाद आप क्या लगाओगे? कंसीलर के बाद मैं एक क्या लगाओगे? क्रीम है। ये कौन सा क्रीम है? लैक्मी का। लैक्मी का ये क्रीम है? हाँ। क्रीम अप्लाई करोगे? बाबू ये है प्राइमर। क्या है? प्राइमर। ये लैक्मी का प्राइमर है। प्राइमर है, देखो इस पर लिखा हुआ है। हाँ, नीचे लिखा हुआ है प्राइमर। अब पता चल गया इसको कि नीचे लिखा हुआ है प्राइमर। तो चलो प्राइमर अप्लाई करो, लगाओ। अपने फिंगर पे ले रही है, देन उसके बाद अप्लाई करेगी। अच्छा, ये बताओ कि प्राइमर कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है? चीक। अच्छा, चीक पे अप्लाई किया जाता है। और कहाँ अप्लाई किया जाता है? हेड। हेड पे। हाँ। उसके बाद नोज। नोज पे। नोज के बाद चीन पे। चीन पे। अच्छा, चीन पे भी अप्लाई किया जाता है। हाँ। चलो अब अच्छे से इसको मिक्स कर लो। हाँ। इससे प्राइमर को इससे नहीं है, हाथ से ही। अच्छा ओके, हाँ भूल गई, हाथ से ही ब्लेंड किया जाता है बाबू। आप भूल गई ना? हाँ। कोई नहीं, आप आज सीख जाओगे अच्छे से मेकअप, अब आपको पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। ओके ओके ठीक है, अच्छे से आप इसको मिक्स कर दो। आपको बड़े होकर क्या बनना है? मेकअप आर्टिस्ट। ओहो, मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है, बहुत अच्छा। मैं आपके तरह मेकअप सीखूंगी। मैं? अच्छा, बाबू मेरे तरह मेकअप सीखेगी? हाँ, मैं आपके तरह
मैं वीडियो भी फोन पे डालूंगी। अच्छा तुम भी वीडियो बनाओगी यूट्यूब पे? हाँ। अच्छा ठीक है, अब ब्लेंड हो चुका है ना, तो नेक्स्ट अब हम क्या अप्लाई करेंगे? ये क्या है? ये क्या है? क्या बताओ? 2000 years later. फाउंडेशन लगता है ये। ये क्या है? फाउंडेशन मुझे लग रहा है। फाउंडेशन लग रहा है मुझे। पर सियोर नहीं हो इसको लेकर? नहीं सियोर नहीं हो, ये फाउंडेशन है। नहीं मैं सियोर हूं, जो फाउंडेशन नहीं है। चलो लो। ओके अब फाउंडेशन ये मेरे ऊपर अप्लाई करने वाली है, तो देखते हैं। हां फाउंडेशन लग चुका है इस साइड। फिंगर्स लगा दिया, थोड़ा सा मिक्स कर दिया, फिर ज्यादा लगाऊंगी तो आप बहुत ही बन जाओगे। अच्छा ये कह रही कि ज्यादा ही लगा देगी तो मैं बहुत बन जाऊंगी, इसलिए बहुत मिनिमली प्रोडक्ट्स लगा रही है, बहुत कम ही प्रोडक्ट लगा रही है। सो देखते हैं फाउंडेशन कैसे ब्लेंड करती है। सो प्रोसेस आ रही है, यहां पे मेरा तबला बजना स्टार्ट हो चुका है। अगला तो आवाज नहीं कर रहा है, आवाज नहीं करेगी ये, ऐसा तबला है ना जिससे आवाज ही नहीं आती। फर्स्ट ऐसा तबला होगा जिसे आवाज नहीं आती है, पर लगती बहुत है। अच्छे से ब्लेंड करना, हो गया ब्लेंड? हाँ ठीक है। आपने यहाँ पे कंसीलर अप्लाई किया था? नहीं दिया था, तो आई मेकअप कैसे करोगे? मैं कर दूंगी अभी। चलो कंसीलर डाल, यहाँ पे लगाओ। ये कुछ कुछ चीजें भूल जाती है तो मैं हेल्प कर देती हूँ, मैं सीखूंगी ऐसे ही ना। हाँ गलती से ही सीखते हैं लोग, तो ये भी गलती से ही सीखेगी। अच्छे से अप्लाई करना क्योंकि आई मेकअप यहाँ पे करना आपको। मैं कर लूंगी। ठीक है अब चलो अच्छे से इसको ब्लेंड करना। सो आप किस स्टैंडर्ड में हो बाबू? फोर्थ स्टैंडर्ड। फोर्थ स्टैंडर्ड में हो? हाँ। अच्छा तो आप किस स्कूल में पढ़ते हो? कृष्णा मेमोरियल स्कूल। कृष्णा मेमोरियल स्कूल? लैक्मे का रोज पाउडर यूज कर रही है। सो ब्रश मैं इसको चीक पे लगाऊंगी। वाली चीक पे या पाउडर लगाओगे कि पूरे फेस पे लगाओगे? फेस पे लगाऊंगी, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, इसलिए मैं फाउंडेशन लगाई हूं ना। अच्छा थोड़ा बहुत ही पाउडर अप्लाई कर रही है क्योंकि ये ऑलरेडी बोल चुकी है कि फाउंडेशन ये अप्लाई कर चुकी है एंड आज का जो मेकअप ये कर रही है बहुत ही कम लगा रही है ना, बहुत ही मिनिमल यूज कर रही है सारे प्रोडक्ट्स को। सो ये मेरे ऊपर लगता है मूंछ बना रही है, नहीं पता क्या कर रही है। मूंछ की बनाऊंगी? मूंछ नहीं बना रही आप? नहीं मैं तो पाउडर लगा रही हूं। पाउडर लगा रही है? आपको क्या लगा कि मैं मूंछ आपको बना दूंगी? डन हो चुका है एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे क्या लगाना है आपको? मैं आईब्रो, अब ये आईब्रो फिल करने वाली है। यहाँ पर ये स्विस ब्यूटी का ये आईब्रो पाउडर ली है। आपको मेरा ये आईब्रो? ये क्या है? क्या बाबू पढ़ो क्या है? हाइलाइटर है ये। हाइलाइटर से पहले क्या लगाया जाता है? कंटूर। कंटूर ये कंटूर एंड हाइलाइटर दोनों है, तो आपको कंटूर करना है। क्या करना है? कंटूर। तो कंटूर आप कहां-कहां प्लेस करोगे? चीक पे। चलो देखते हैं कंटूर कैसा ये लगाती है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा होगा कि मैं किसी छोटी सी बच्ची से अपना मेकअप करवा रही हूं एंड यहां पे ये कंटूर लगा रही है। थोड़ा बहुत मेरा कंटूर टूट चुका है तो थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट हो रहा होगा कंटूर करने में। चीक पे अप्लाई कर चुकी है, नेक्स्ट अब कहां अप्लाई करना है? अब नोज पे। तो करो नोज पे। कौन सा ब्लेसर है? मैक का ब्लेसर है। अच्छा चलो अप्लाई करो ब्लेस, तो देखते हैं ब्लेस करने के बाद मैं कितना ब्लेस करती हूँ। कैसे ब्लेसर अप्लाई करते हैं बाबू बताना, करके दिखाइए, रही है बताएगी क्या बच्ची। तो यहाँ पर ये मेरा पेंटिंग चालू है। हाँ बहुत अच्छे से पेंटिंग हो रहा है मेरे फेस पर। नोज पे भी अप्लाई कर रही है, बच्ची इसको पता है कि हाँ नोज पे भी ब्लश अप्लाई किया जाता है। अब ये चिन पे अप्लाई कर रही है, इसको पता है, मेरे को हमेशा ये वीडियो बनाते हुए देखती है ना, तो इसको पता है कि ब्लशर कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है। वैसे बच्ची को सब पता है, थोड़ा बहुत इसे वो प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है एंड और सब कुछ इसको पता है। हो गया दीदी? हो गया। तो यहाँ पर ये ब्लश भी लग चुका है एंड प्लस आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो क्या हुआ, कुछ हुआ? नहीं अच्छी नहीं लग रही हो? अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लग रही। चलो कॉम्प्लीमेंट मिला इसे। चलो अब उसके बाद क्या अप्लाई करना है? हाइलाइटर भी अप्लाई कर रही है कम के नाम पे। बोलती है कि बहुत कम यूज करती है बट यूज करती है बहुत ज्यादा। क्या ज्यादा आपको लग रहा है कि कम लग रहा है? नहीं ज्यादा नहीं लग रहा है। ज्यादा नहीं लग रहा? नहीं कम लग रहा है। हाँ ठीक चलो अब इस पे अप्लाई करो।
हाइलाइटर भी लगा चुकी है, तो देख रहे हो कैसा लगा ये हाइलाइटर। अब मैं दीदी का आई मेकअप करूंगी। अच्छा, आई मेकअप करोगी? हाँ ठीक है। तो ये है SFR का पैलेट, आई शैडो पैलेट, एंड इसमें बहुत सारे मैट कलर्स है, सिमर कलर्स है, एंड ग्लिटर्स भी है। तो आज आप सबसे पहले कौन सा कलर पिक करोगे बताओ? कौन सा कलर बताना? तो अब ये गोल्डन कलर यूज करने वाली है, तो गोल्डन कलर देखते कैसा लगाती है। आपको पता है आप गोल्डन कलर कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो? मैं बीच में कर रही हूँ। बीच में कर रही हो? हाँ थोड़ा बहुत कर लूँ, हल्का हल्का। अच्छा ठीक, अच्छा लगेगा ना आज का मेरा मेकअप? सभी को पसंद आएगा ना? हाँ आएगा। अच्छा ठीक है, अब ये बोल रही है कि आप लोगों को पसंद आएगा, तो देखते हैं आप लोगों को कैसा लगता है। एक आइस में कंप्लीट हो गया? हाँ हो गया दीदी। चलो दूसरे आइस पे भी करो। आई मेकअप डन हो गया? हाँ दीदी लग गया। लग गया ठीक है। तो ये मेरा आई मेकअप यहाँ पे लगा चुकी है। अब इसके बाद क्या लगाओगी? मस्कारा। मस्कारा चलो मस्कारा लगाओ। आपने क्या लिया यहाँ पे? काजल। काजल? पहली बार ऐसा हो रहा हो कि काजल मैं किसी और से लगवा रही हूँ, एंड मुझे बहुत डर लग रहा है। लग गया? हाँ लग गया। तो देखते हैं काजल लगा चुके हैं। अपना फेस दिखाओ। तुम तो फेस अपना दिखाई दे रही थी, क्यूट सी बच्ची, अपना फेस भी दिखा रही। अब मैं दीदी को आईलाइनर लगा रही हूँ। तो गाइस एक हंसी की बात मैं बताती हूँ, इसको आईलाइनर बोलना आता नहीं है। एक बार आईलाइनर बोला तो आईलाइनर क्या? आईलाइनर। आईलाइनर बहुत ही सीरियस वे में ये आईलाइनर ड्रॉ कर रही है, एंड देखते हैं कैसा होता है ये मेरा लाइफ। तो यहाँ पे आईलाइनर भी लग चुका है। अच्छा लगा ही हो ना? हाँ चलो सेकंड, अब दूसरे पे भी लगाओ। लग गया ना? हाँ। अच्छे से विंग आईलाइनर ड्रॉ किया हो ना, मतलब निकाली हो ना? हाँ दोनों साइड से। हाँ। मुझे निकला हुआ बहुत पसंद है। हाँ तो यहाँ पर ये मेरा आईलाइनर भी लगा चुकी है। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये बढ़ा चढ़ा के बोल रही है क्या? मैं यहाँ पे इसको पैसे वैसे नहीं दे रही हूँ वीडियोस बनाने के, तो ये बढ़ा चढ़ा के बोल रही है बहुत सुंदर लग रहा है। तुम मिस्टेक क्यों ना आईलाइनर सही से नहीं लगाई, तुम बोलो। हाँ मिस्टेक थोड़ा बहुत होता है, दूसरे को लगाते तो होता ही है। अच्छा दूसरे को लगाते तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है ना? हाँ ठीक है कोई नहीं, खुद पे लगाती तो अच्छे से लगा लेती हो। हाँ खुद पे अच्छे से लगा लेती हूँ। चलो तो आईलाइनर लग चुका है, एंड लास्ट अब क्या लगाना है? लिपस्टिक। लिपस्टिक क्या लगाना है? लिपस्टिक। अच्छा लिपस्टिक। 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 2000 years later. लिपस्टिक। चलो ठीक है, तुम लिपस्टिक ही लगाओ। आ कीजिए। आ अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप ठीक है? आ ठीक, थोड़ा सा और। मुझे नहीं पता था कि इसको मेकअप करना इतना पसंद है, तो मुझे लगा कि हाँ हाँ ये मेकअप अच्छा करती होगी, घर पे तो ये करती रहती है। अब नहीं पता ये कैसा मेकअप करती है भाई। वैसे भी ये छोटी बच्ची से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 10 साल की है, इतना ज्यादा ये तब भी की है, सोचो। आईलाइनर बहुत ही अच्छे से लगाया, लगाया ना? हाँ ये पूरा अपना 100% दी है मेरे इस मेकअप को। तो आपको मैं बता रही हूँ कहाँ कहाँ से मिस्टेक किया है। तो लिपस्टिक पे सबसे पहले मेरा दर्जा जा रहा है, ये टिथ पे भी लिपस्टिक लग गया है थोड़ा सा, एंड ये लिपस्टिक देखो हल्का सा यहाँ से निकला हुआ आपको लग रहा होगा। और हाइलाइटर नोज पे देखो, कुछ ज्यादा नहीं हाइलाइट कर रहा है मेरा नोज। कॉन्टोर देखो, कॉन्टोर तो इसने ब्लेंड अच्छे से किया ही नहीं था, नहीं ना की थी, इसलिए मैं इसे बार बार पूछ रही थी कि ब्लेंड अच्छे से कर रही हो। तो कुछ नहीं, अभी भी ऐसे बैठी हुई है, इसको अंदर से बहुत ही हंसी आ रहा है, बट बहुत कंट्रोल कर रही, नहीं पता क्यों सोच रही कि दीदी मार और देगी इस वजह से, ये बहुत कंट्रोल कर।
ये पता अभी ऑफ कैमरा ना बोल रही थी दी आप हरा मटर लग रही हो, और जैसे कैमरा ऑन कर रही हूँ ना पूछ रही हूँ कि कैसा लग रहा है मेकअप। बहुत अच्छा सो नाइस। और ऑफ कैमरा पता है मुझे क्या बोल रही है? हरा मटर लग रहा देख रहे हो ना आप। गाइस मेरी दीदी के वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताना मैं मेकअप कैसा की। कमेंट में जरूर बताना क्योंकि ये बच्ची स्पेशली बोल रही है कि कैसा ये मेकअप किया है। तो जहाँ जहाँ इसकी मिस्टेक है उसको इग्नोर करना, और भी प्यार से इसने मेरा मेकअप किया ना वो चीज मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। सो गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जरूर बताना कि इसने कैसा मेकअप किया एंड ऑलरेडी इसने क्या चुका है। फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बच्ची है, थोड़ी सी नर्वस हो रही थी कैमरा को देख के, तो इशू नहीं है इसको लेकर। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। तुम भी बाय बोलो। बाय बाय।